कैबिनेट व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अल्मोड़ा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर उन्हें काले झंडे दिखाए। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर करबला तिराहे के पास विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का काफिला रोककर विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। करीब 10 मिनट के बाद बमुश्किल पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क से उठाकर किनारे किया। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज रेफरल सेंटर बनकर रह गया, क्योंकि आए दिन गर्भवती महिलाओं को यहां से रेफर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं दूर नहीं हुई तो भविष्य में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है और लगातार चाहे हमारा जिला चिकित्सालय हो, महिला चिकित्सालय हो, चाहे हमारा अल्मोड़े का मेडिकल कॉलेज है, इसमें लगातार यहाँ पर जो असुविधाओं को लेके और उसके साथ साथ जो यहाँ पर ब्लड बैंक स्थापित नहीं किया जा रहा, ब्लड बैंक संचालित नहीं किया जा रहा है, ओटी ये भी संचालित नहीं हो रही है, आए दिन मशीनें खराब हो रही है, फैकल्टीज़ की नियुक्ति शीघ्र नहीं की जा रही है, और उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज में अभी तक एक भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो मरीज आते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ से लगातार यहाँ से चाहे गर्भवती महिलाएँ हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे अन्य जितने मरीज हैं, उनको एक रेफर सेंटर के रूप में इस मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया है। इन सब को लेकर आज हम सब कांग्रेस के जनों ने जनता की भावनाओं को देखते हुए माननीय मंत्री जी से कई बार अनुरोध किया और उनसे कहा कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जब सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, जनता की बातें नहीं मानी और जनता की पीड़ा को देखते हुए आज हमें यहाँ पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री जी का यहाँ पर विरोध करना पड़ा और उनको चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो इससे भी और उग्र आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी, जनता के साथ मिलकर करेगी। और उसके साथ साथ आज के जो भी कार्यक्रम है, चाहे वो लोकार्पण के हैं, शिलान्यास के हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट के हैं, उसका मेरे द्वारा विरोध भी किया गया है और उसका विरोध किया गया है।